हमको फ्रांस में आए ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ गया है. हम ट्राई करते हैं कि जितने भी हमारे रेगुलर मील्स रहते हैं 3 times के हम घर पे ही कुक करें, बिकॉज काफ़ी हेल्दी भी रहता है और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है. सो हमें ऑलमोस्ट हर वीक ग्रोसरी शॉप जाना पड़ता है ताकि हम महीने का हफ्ते का सारा राशन लेके आ सकें. यूजली तो ऐसा रहता है कि हम घर के पास वाले ही ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं, बट आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने साथ एक हाइपर मार्केट. यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर बहुत तरह के ब्रांड्स के हैं. यहाँ पे मोनोप्रिक्स है, कारफोर है, कुकी मार्केट है, और कभी कभी तो हम यहाँ पे लोकल शॉप जैसे आप पीछे देख सकते हो यहाँ से भी वेजिटेबल और फ्रूट्स ले लेते हैं. बट आज हम जा रहे हैं हाइपर मार्केट, हमारे कॉलेज के पास में ही है, और वहाँ पर जो वेराइटी रहने वाली है ना हर चीज की, चाहे वो ब्रेड हो चाहे वो बियर हो, बहुत ज्यादा रहने वाली है. और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि यहाँ पे ग्रोसरी कितनी महंगी है, क्योंकि हमारा वीकली खर्चा सबसे ज्यादा ग्रोसरी का रहता है, सबसे ज्यादा ग्रोसरी का रहता है. तो आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा यहाँ की ग्रोसरी स्टोर्स और बात करेंगे यहाँ पे ग्रोसरी की प्राइसिंग की. अंदर आते साथ ही कांड हो गया भाई. दोस पीपल आर द सिक्योरिटी वाले, यू आर नॉट अलाउड टू शूट हियर. एंड मोस्टली जब भी हम ऐसे शूट कर रहे होते हैं, अगर हम बार्स में शूट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आ जाता है ऑब्जेक्ट करने के लिए. उसके बाद जल्दी से प्रणव क्या करता है, प्रणव निकालता है अपना फ़ोन, मेरा यूट्यूब चैनल दिखाता है कि ही इज़ अ यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया एंड ही इज ट्राइंग टू शो द लाइफ स्टाइल ऑफ फ्रेंच पीपल. और मैं बताता हूँ उनको गूगल ट्रांसलेट पर कि भाई मैं ऐसे ऐसे व्लॉग शूट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ हमें जाने दो और हमें व्लॉग शूट करने दो. सो यू नो आफ्टर एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग दैट गाय वाज लाइक आई वांट अ सेल्फी विद यू. सो सुपर फन. अभी कारफोर यहाँ पे है ऑन द लेफ्ट, और आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है यहाँ का कारफोर. भाई काफ़ी खर्चा होने वाला आज, काफ़ी खर्चा होने वाला आज. जैसे इंडिया में बेस्ट प्राइस होते हैं ना, दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोर्स जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, नॉट जस्ट ग्रोसरीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीमीडिया सब कुछ है, कपड़े भी हैं यहाँ पे. आई कैन सी बहुत सारे कपड़े टंग रखे हैं. ऐसे मोनोप्रिक्स के भी स्टोर्स हैं हमारे घर के पास में, वहाँ पे भी बेसिकली कपड़े, ग्रोसरीज सब कुछ मिल जाते हैं. तो अभी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें ब्रो. रो वाइज चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग कर लेंगे. अभी यहाँ आके भी प्रॉब्लम आ गई, फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, कह रहे कि यहाँ पे फिल्मिंग अलाउड नहीं है. फिर से मुझे सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ा, गूगल ट्रांसलेट खोल के सब कुछ समझाना पड़ा कि आई एम जस्ट शूटिंग व्लॉग्स, आई वुड रिस्पेक्ट एवरीवन हियर एंड आई विल मेक श्योर कि किसी और का फेस ना दिखे ज़्यादा व्लॉग के अंदर. और यहाँ पे अभी मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में. यहाँ पे मेरे को SSD देखनी है कि SSD कितनी महंगी है यहाँ पे, बिकॉज मुझे हो सकता है शायद से एक T7 और लेनी पड़े सैमसंग की, बिकॉज यू नो वाइल एडिटिंग द बेस्ट वे आउट यू नो विद ए स्टोरेज इज SSD. और मैं तो अब आईफोन पे व्लॉग कर रहा हूँ तो जल्दी से बैकअप लेना SSD से काफ़ी आसान रहता है मेरे लिए. सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे. ट्रिमर्स हैं फॉर 79 euros, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी. ये वाला ट्रिमर मैंने इंडिया में नहीं देखा, 1 blade एंड इट्स रफली फॉर लाइक 7500 इंडियन रुपीज़. जितने भी प्राइसिंग रहेगी मैं यूरोस में बताता रहूँगा, ट्राई करूँगा कि INR में कन्वर्ट कर दूँ, वरना स्क्रीन पे यूरोस और INR दोनों में आप प्राइसिंग देख लोगे. और यहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंशनड है दे आर ऑल रिटन इन फ्रेंच. जब हम ग्रोसरी शॉपिंग भी करने आते हैं स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चिकन को पुलेट बोलते हैं, सो यहाँ पे अगर हमें दूध लेना है, दही लेना है, बटर लेना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है. बट धीरे धीरे गूगल ट्रांसलेट के साथ हम सीख गए हैं कि कैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है. सो अभी ग्रोसरी की तरफ हम बढ़ते हैं, बट अभी यहाँ पे थोड़ी स्टेशनरी अवेलेबल है. स्टोर काफ़ी मैसिव है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे. जैसे इंडिया में होते हैं ना रैकेट्स टू किल मस्किटोज, ये वो सब है यहाँ पे. और भी बहुत कुछ है, मतलब काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही. हम फ्रांस आए हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, इसलिए जितना भी हमारा सामान है जो कुकिंग के लिए एसेंशियल सामान है वो सारा Airbnb के अंदर प्रोवाइडेड है. बट अगर आप प्लान करते हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आना और एक अपार्टमेंट रेंट करना है फॉर अ लॉन्गर टर्म, सो मेक श्योर आप इंडिया से कुकर ले आओ. यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, और बाकी उसके अलावा अगर पॉट पैन भी लेके आ सकते हो ले आना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है. आई टेल यू द प्राइसेस. यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो चाकू भी है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स फॉर मोर देन 5 euros. सो इट्स बेटर कि आप इंडिया से लेते आओ, यहाँ पे ये सब कुछ एक्सपेंसिव है. बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो Airbnb में सब कुछ मिल जाता है तो ज़्यादा इशू नहीं रहता. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पैन है, जस्ट 1 single pan इज़ फॉर 27 euros, विच इज़ रफली 2500 Indian rupees. सो हो सके तो इंडिया से लेते आना. और अभी हम सामने प्रोसीड कर रहे हैं टूवर्ड्स द ग्रोसरी डिपार्टमेंट नाउ. ब्रो पहले यहाँ पे, नहीं ब्रो यहाँ पे पहले,
सो यहाँ पे जो वाइन की वैरायटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एंड द वाइन बॉटल स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक रफली लेस देन 5 यूरोस और इतनी वैरायटी होती है कि हम तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं. 3 यूरोस बट ये है कि यहाँ पे सब कुछ फ्रेंच में लिखा होता है तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली वाइन कौन सी है और हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है. सो स्टिल लर्निंग द वाइन कल्चर हियर बट बॉटल बहुत ही सुंदर होती है जस्ट फॉर लाइक 6 यूरोस. बिकॉज कॉक के अंदर एक पोर्ट भी है और साथ में बीच भी है, यहाँ पे सी फूड की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है. बट हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पुलेट, बेसिकली दैट इज चिकन. सो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव इन पुलेट? चिकन. ओके एंड डू वी हैव सम मैरिनेटेड पुलेट? नो. मम्मी नहीं बनाने देती, यहाँ पे तो हम ट्राई कर सकते हैं ये बनाना. मतलब अच्छा लग रहा है भाई, कितना मतलब रेड रेड मीट लग रहा है भाई. मैं अपने घर में चिकन के अलावा और कोई मांस नहीं पकाऊंगा, पहले बता दे भाई. थोड़ा सा बीफ तो ट्राई करना बनता है. नो बीफ नो यार भाई, बट कल बीफ बर्गर जरूर खाएंगे हम. क्या ये क्या लग रही है? मैं बोलना नहीं चाहता तेरे चैनल पे. चिकन का प्राइस है, अगर हम हर्ब्स वाला चिकन लेते हैं तो ये है 3 यूरो का, रफली 200-250-300 रुपए का चिकन, 250 ग्राम. काफी एक्सपेंसिव है इंडिया से, बट ये अगर आप देख सकते हो ऊपर थोड़े हर्ब्स लगा रखे हैं. सो अगर हम किनोवा के साथ जब चिकन बनाते हैं ना, वो शाम को थोड़ा सा फ्राई करके सब्जियों के साथ सौते करके, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं. एक ये ट्राई कर लेते हैं, बाकी रॉ चिकन ले लेते हैं हम. चिकन का प्राइस है यहाँ पे रफली 8 यूरोज फॉर 1 kg, विच इज़ रफली 750-800 इंडियन रुपीज़. इंडिया में मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली प्राइस कितना, अगर आपको पता है प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना. बट आई एम श्योर यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. और यहाँ पे जो अगर आप मीट शॉप पे चिकन लेते हो ना, उसके चिकन के तुमने देखा काफ़ी डिफरेंट है. इंडिया जैसा चिकन नहीं है, ऊपर मतलब अलग सी लेयर आ रही है. बी रोल से प्रणव ले लेते हैं अपने कैमरा से, जस्ट फॉर मेमरीज. वो जो शूट करते हैं मैं वो एयर ड्रॉप ले लेता हूँ और ब्लॉग्स में डाल देता हूँ. और यहाँ पे फ्रांस के अंदर आप देखोगे पेस्ट्रीज और स्वीट्स की ऑप्शन बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे कुछ केक और मफिन्स है फॉर 3 यूरो 65 सेंट्स. सो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है. आगे कॉलम है ब्रेड का. और यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना ग्रोसरी स्टोर में, हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि एग्जैक्टली ब्रेड कौन सी लेनी है. यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है. ये भी एक तरीके की यहाँ पे ब्रेड है. हम ये वाली तो नहीं लेंगे, हम नॉर्मल सैंडविच ब्रेड लेंगे. और यहाँ पे वैरायटी है बेगेट की. बेगेट है यहाँ के बेसिकली जो फ्रेंच सैंडविच है. लोग बेसिकली इसको रॉ भी खा लेते हैं, कभी इसके अंदर सैंडविच बना के इसको खाते हैं. दिस इज यूजली फॉर 1 यूरो, मतलब 87-90 इंडियन रुपीज़. और बेगेट की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है. यहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पे सामने सैंडविच ब्रेड लेने. सैंडविच ब्रेड में भी इतनी सारी वैरायटी आती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फर्स्ट टाइम तो, कि एग्जैक्टली ब्रेड कौन सी लेनी है. हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 तरह की डिफरेंट डिफरेंट सैंडविच ब्रेड ट्राई कर चुके हैं. एंड एवरी टाइम वी गो टू अ डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर, हम डिफरेंट तरह की ब्रेड लेते हैं. ये तो वाइन सेक्शन आ गया, ब्रेड सेक्शन उधर है. जैसे मैं आपको बता रहा था कि वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं. यहाँ पे से सैलड्स मिलते हैं. दीज आर फॉर लाइक 3 यूरो 60 सेंट्स, रफली 300 इंडियन रुपीज़. अगर आपका मन करता है कॉलेज में आज लंच लेके जाना है, तो आप ऐसे सैलड्स और सैंडविचेस स्टोर करके रख सकते हो. एंड व्हेन एवर यू गोइंग टू योर कॉलेज, आप ऐसे उनको अपने साथ अपने बैग में लेके जा सकते हो. तो मैंने बहुत बार ही ली है एंड काफ़ी अच्छे होते हैं. सो वील प्रॉब्ली पिक अ फ्यू ऑफ देम. वैरायटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है. हर चीज़ की इतनी वैरायटी है कि 5-10 मिनट लग जाते हैं चूज़ करने में कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट पिक करना है. ऑल्सो यहाँ पे ऐसे जैसे आप देख सकते हो सब कुछ फ्रेंच में लिखा होता है, तो फिर काफ़ी हमें गूगल ट्रांसलेट करना पड़ता है. तो ऑलमोस्ट जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करने आते हैं, हमारे 3-4 घंटे लग जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग में. और भाई यार यहाँ पे वो सैंडविच ब्रेड नहीं मिल रही यार. एग्जैक्टली जो हम लेते हैं ना वो चॉकलेट वाली, सैंडविच ब्रेड के अंदर चॉको चिप्स लगे होते हैं, तो हम उसके अंदर पीनट बटर टोस्ट खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए. तो काफ़ी बेस्ट है, मतलब खाने का ना इशू नहीं आता. क्यों? बिकॉज यहाँ पे वैरायटी इतनी हर चीज़ की. आप अगर ब्रेकफास्ट की बात करते हो म्यूसली, पैनकेक्स, यहाँ पे पैनकेक्स भी बने बनाए मिलते हैं, ओट्स हो गए, ठीक है. उसके अलावा इतने तरह के सीरियल्स हैं. अभी फ्रूट लूप्स भी लेने हैं, इंडिया में फ्रूट लूप्स भी मिलते हैं, पंजाब स्टोर से लेता हूँ मैं चंडीगढ़ वाले. और वो इतना ज़्यादा लूट मचा रखे हैं ना उन्होंने, तो यहाँ पे सस्ते में मिलेंगे. और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सामने न्यूटेला की भी बहुत डिफरेंट पैकिंग है, अनलाइक इंडिया. इट्स फॉर 5 यूरो 51 सेंट्स, 500 रुपीज़ का ये पैकिंग है. आई गेस दिस इज 1 किलो. और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी पैकिंग है इसकी.
भाई सब्जियों की वैरायटी देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर कैबेज भी लेनी है ना, एक कैबेज ये अराउंड, दूसरी ये, और कॉलीफ्लावर, मैंने ऐसा कभी कॉलीफ्लावर इंडिया में नहीं देखा, ठीक है सर, कॉलीफ्लावर है भाई, इसके पराठे कैसे बनेंगे? थोड़ी सब्जियां ले लेते हैं घर के लिए, और कॉम्बोज वगैरह थे सूप अच्छा, वगैरह के लिए नाइस। तो ये 1.5 किलो का सब्जियों का कॉम्बो है, दिस इज फॉर 2.5 euros इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5 euros मतलब 200 रुपए की सब्जी आ जाएगी, जिसमें ऑलमोस्ट हर तरह की सब्जियां अवेलेबल होंगी, ताकि यू नो अगर कोई अकेला इंसान रह रहे तो वो ये ले सकता है। इसमें आपको बेसिकली प्याज, कैरेट, खीरा दिख रहा है मुझे, एक ऐसा रहता है कि सब्जियां खरीदो साथ में उनका वेट करो और फिर स्टिकर लगा लो, फिर बिलिंग के टाइम पे काफ़ी इजी रहता है, सिर्फ स्कैन करो और आपका बिल हो जाता है। हमने थोड़े आलू ले लिए, थोड़े प्याज लेने हैं भाई, और यहाँ पे प्याज की भी 2 तरह की वैरायटी आती है ना, तो वो लाइट कलर वाले लेने हैं, क्योंकि उसको काटते हुए आंसू कम आते हैं, वरना प्रणब की तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। थोड़े भाई गाजर लेनी है, गाजर ले लेते हैं, गाजर का रेट है 1.5 euro पर किलो, तो सूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम इसको डिनर बनाते हुए, तो गाजर ले ले थोड़ी सी, ठीक है यार, रेट 100 रुपये पर किलो ऑलमोस्ट, यहाँ पे वेजिटेबल्स का यही प्राइस है, 1 से 3 euro के बीच में पर केजी वेजिटेबल्स आ जाती है, मतलब 90 से 270 रुपये के बीच में वेजिटेबल्स की प्राइसिंग है। थोड़ी सी प्याज लेने हैं, थोड़ा सा सैलड का सामान लेना है, सैलड की वेराइटी देखो यहाँ पे, ये सारे अलग अलग सैलड के बेस लग रखे हैं। दालें भी मिल गई यहाँ पे, छोटे कारपोर में ये सब नहीं है, बड़े जो आपके हाइपर मार्केट्स होती हैं वहाँ पे ये सब मिल जाएगा। प्याज हम ये वाले नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाले प्याज, बिकॉज काटते हुए इसके अंदर आंसू कम आते हैं, वरना आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं, अगर आपने ऑमलेट भी बनाना है तो आप रोने लग जाते हो ऑमलेट बनाते हुए। तो ये प्याज है यहाँ पे 2.5 euro फॉर अ किलो, 2 euro 60 cents विच इज़ रफली 220-230 rupees एग्जैक्ट प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पे बताता रहूँगा, ऐसे कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी नहीं है मेरे लिए, बट 1 euro इज़ इक्वल टू 90 rupees रफली 90 Indian rupees, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता रहूँगा। थोड़े से प्याज डाल लेते हैं, वैसे थोड़े घर पे पड़े भी हैं, थोड़े कम डालते हैं, और अभी आगे फ्रूट्स लेते हैं भाई, फ्रूट्स काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स महंगे हैं बट काफ़ी हेल्प करते हैं, जब कॉलेज से आते हैं ना भाई और भूख लग रही होती है, एक बनाना एक एप्पल खाओ, हेल्दी का हेल्दी, और न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, विटामिन भी आ जाते हैं, प्रोटीन तो हम खाते रहते हैं, चिकन फाड़ते रहते हैं पूरा दिन, और सुबह कार्ब्स भी आ जाते हैं जो हम ओट्स वगैरह खाते हैं, और यहाँ पे जूसेस की वैरायटी है भाई, जूस ले ले थोड़ा सा मिक्सर्स के लिए काम आते हैं हमारे, बहुत अलग है जूस का प्राइस है 1 euro 79 cents वाला टेट्रा पैक, ऑरेंज जूस, एक ऑरेंज, एक एप्पल ले लेते हैं, एक एप्पल ले ले ब्रो। यहाँ पे टमाटर की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, डिफरेंट कलर के टमाटर आते हैं यहाँ पे, ऑल्सो यू हैव ऑफ डिफरेंट साइजेज, यहाँ पे छोटे साइज के टमाटर हैं, यहाँ पे बड़े साइज के हैं, जो हम लेते हैं दीज आर द रेगुलर वंस जो इंडिया में बेसिकली यूज़ होते हैं, दीज आर फॉर 3.5 euros फॉर 1 किलो, मतलब 300 रुपये किलो टमाटर है यहाँ पे, इंडिया में काफ़ी सस्ते आते हैं प्रीटी श्योर, एक दो बारी मैं लेके आया हूँ, और बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पे, एज यू कैन सी पम्पकिंस अवेलेबल हैं, पम्पकिंस आर फॉर 2 euro 30 cents, बट आप देख सकते हो कि कलर और वेराइटी कितनी ज़्यादा है। इंडिया में मैंने देखे बेसिक साइज़ के, ये वाले देखे हैं मैंने इंडिया में, और शायद से इसका थोड़ा डिफरेंट वर्जन देखे, बट यहाँ पे आप कलर्स और वैरायटी देख सकते हो पम्पकिंस की, ओह माय गॉड, इवन दिस इज़ अ पम्पकिन, काफ़ी डिफरेंट। बेल पेपर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग पैकिंग्स में आती है, अगर आपको 3 का सेट लेना है, या अगर छोटे वाले बेल पेपर्स लेते हैं, हम यूजली ये यूज़ करते हैं, स्पेशली यू नो वाइल हैविंग किनोवा, हम उसके अंदर सौते करके ये यूज़ कर लेते हैं अलॉन्ग विद सम अनियंस एंड टोमेटोज। सो वेजिटेबल्स तो काफ़ी ले लिए हमने ऑलरेडी भाई, बेल पेपर्स 1.5 euro के 2 किलो, 1.5 euro के 2 किलो एप्पल, हाँ ठीक है, बहुत सस्ता है भाई। एप्पल की एक बार शेप दिखाइयो, थोड़ा साइज छोटा है, बट थोड़ा साइज छोटा है, बट 1.5 euro फॉर 2 kg विच इज रफली भाई, तो इंडिया से भी सस्ता लग रहा है मुझे, 120 रुपये फॉर 2 kg, मतलब 60 रुपये किलो, और ये जो गोल्डन एप्पल है दीज आर फॉर 3.5 euro फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 किलो, सो कैलकुलेट करता रहूँगा मैं स्क्रीन पे एग्जैक्ट प्राइसेस। और एप्पल्स की वैरायटी आप देख सकते हो, इतने एप्पल्स मैंने हिमाचल में नहीं देखे जितने एप्पल्स यहाँ पे हैं, और सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, रफली फॉर 2-3 euros फॉर 1 kg, और ऐसे ऐसे पैकिंग्स में आते हैं, एक पैकिंग हम ले लेते हैं बिकॉज फ्रूट्स तो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम होते रहते हैं, एंड दिस इज़ सम फ्रेश जूस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 liter जूस फॉर 2.5 euros, और यहाँ पे ऐसे कारफोर की जैम्स भी आती हैं, और ये हम ब्रेड पे लगा के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तेरा फेवरेट कोकोनट फ्रॉम थाईलैंड, मेरा फेवरेट, अरे भाई कितने का है यहाँ पे,
ये 5 euros 5 euros for one piece. कुछ फ्रूट्स तो ऐसे हैं जो समझ भी नहीं आ रहे कि एग्जैक्टली है क्या. आई डोंट नो व्हाट दिस फ्रूट इज बट काफ़ी एक्सपेंसिव है. 7 euros for 1 kilo सो नॉट ट्राइंग दिस. ये नहीं देखा मैंने यार कभी. लीची टाइप होता है ना. हाँ मे बी लीची टाइप है कुछ. ट्राई कर सकते हैं. ड्रैगन फ्रूट होगा. ड्रैगन फ्रूट तो देखा है इंडिया में. ये तो इंडिया में मिलता है ड्रैगन फ्रूट. ब्रो ये क्या बनाना का साइज देख. ओ भाई बनाना का साइज देख रहे हो कितना छोटा. मतलब भाई ये तो 5-6 मेरे एक हाथ में आ जाएंगे. एंड लुक एट द साइज ऑफ द ऑरेंजेस हियर. यार ये हर चीज का छोटा साइज आता है. नींबू से छोटा ऑरेंज. चिलीज है यहाँ पे कुछ. ये फ्रूट सेक्शन में रखी हुई है. अंगूर काफी सस्ते हैं यहाँ पे. फॉर 2 euros for 1 kilo एंड काफ़ी वेराइटी है. सारे कलर्स अवेलेबल हैं. काफ़ी फ्रेश भी लग रहे हैं. सो 2 euros for 1 kilo नॉट बैड. क्वाइट अमेजिंग. और यहाँ पे ग्रेप्स की वेराइटी मैं आपको दिखाता हूँ. यू हैव ब्लैक ग्रेप्स. यू हैव सम डिफरेंट ग्रेप्स. इसका थोड़ा सा साइज अलग है अगर आप देख सकते हो. एंड दीज आर फॉर 4.9 रफली 5 euros. मतलब 450 Indian rupees. ये वाले ग्रेप्स मैंने इंडिया में खा रखे हैं. काफ़ी डिलिशियस होते हैं. काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं देखने में. दूध है यहाँ पे काफ़ी सस्ता. और वैरायटी आप देख ही सकते हो कि एक पूरा सेक्शन सिर्फ योगर्ट्स और दूध के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड है. एंड प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे जो 16 पैक आता है यहाँ पे जो हम यूजली लेते हैं दैट इज़ फॉर 2.5 euros for 2 kgs. सो रफली 220 rupees for 2 kgs ऑफ कर्ड विच इज़ रफली 110 rupees per kilo. और यहाँ पे भाई साहब ले हैं थोड़ी सी रेडबुल. भाई रेडबुल हम किसके साथ पीते हैं ये भी बता दें सर. आप लोग बता दे. ठीक है भाई. यहाँ पे ये ब्रो आलमंड मिल्क. ओके रेगुलर मिल्क यहाँ पे आता है फॉर 1 euro. आलमंड मिल्क है 1.51 euro. और यहाँ पे म्यूसली की भी वैरायटी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है. मेरे को ये वाली म्यूसली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज इसके अंदर बेरीज हैं. एंड दिस वन इज़ फॉर 375 grams for 2.5 euro. मतलब ऑलमोस्ट 7 euros for 1 kilo. सो ये वाली म्यूसली काफ़ी अच्छी. कारफोर की ही म्यूसली है. और सीरियल्स की और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे. अगर आप देखोगे चॉकलेट म्यूसली और भी बहुत कुछ है यार यहाँ तो. मतलब अगर आप चाहो ना तो आप हर टाइम नई चीज़ आके ट्राई कर सकते हो. हम भी ऐसा करते हैं. प्रणव एक चीज़ ले लेते हैं मैं एक चीज़ ले लेता हूँ. यहाँ पे एक हमने बार्स लिए थे. ये वाले बार्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. गच्चक जैसे लग रहे हैं बट दीज आर लाइक सम नाइस बार्स. जैम के साथ लगा के खा सकते हो. अभी मैं हूँ पल्सेस ड्राई फ्रूट और सीरियल सेक्शन के अंदर. यहाँ पे बहुत तरह के सीरियल्स हैं. बनाना चिप्स हैं. बहुत तरह के पास्ताज हैं. ड्राई फ्रूट काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल पीनट्स. पीनट्स आर फॉर 10 euros for 1 kilo विच इज़ रफली 900 Indian rupees for 1 kg. और यहाँ पे पिस्ता है. पिस्ता इज़ फॉर 29 euros for 1 kilo 2500 Indian rupees for 1 kg. सो ड्राई फ्रूट बहुत एक्सपेंसिव है. हम इंडिया से लेके आए थे. अगर आप भी फ्रांस आ रहे हो और फॉर अ लॉन्ग टर्म इफ यू कमिंग हियर मेक श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट. यहाँ पे काजू की भी काफ़ी वैरायटी है. 25 euros for 1 kilo विच इज़ 2300 rupees for 1 kg. भाई काजू बहुत महंगे हैं यहाँ पे. ड्राई फ्रूट काफ़ी एक्सपेंसिव है. और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ब्रेड आती हैं जिसकी साइड्स नहीं होती. इंडिया में कई लोगों को साइड्स खाना पसंद नहीं है तो यहाँ पे वो भी ब्रेड आती है. यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ सैंडविच ब्रेड्स हियर. हम यूजुअली ये वाली ब्रेड खाते हैं जैसे मल्टीग्रेन सैंडविच ब्रेड. और भी बहुत तरह की वैरायटी है. यहाँ पे एक ब्रेड आती है जिसके अंदर चोको चिप्स लगे होते हैं. सो हम वो न्यूटेला ऑन टोस्ट कर देते हैं और काफ़ी सॉर्टेड ब्रेकफास्ट हो जाता है. दिस इज़ द रेगुलर ब्रेड हियर एंड काफ़ी सॉफ्ट है. यहाँ की जो ब्रेड की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है. दिस वन गोज़ फॉर 2 euros 1.90 euro एक पैकेट के लिए विच इज़ रफली 180 Indian rupees. सो ये एक ब्रेड ले लेते हैं हम अपने साथ में. हम लेंगे यहाँ के पैनकेक्स क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह कॉलेज जाने से पहले उठे और आपने मस्त पैनकेक्स बना लिए. और ये पैनकेक्स की मैं बात कर रहा था ये मैंने नहीं करा. वेलकम टू द वाइन सेक्शन. यहाँ पे फ्रांस के अंदर वाइन तो आपको मालूम ही होगा कि कितनी ज़्यादा फेमस है. और यहाँ पे बॉटल स्टार्ट होती है एज चीप एज 3 euros. तो अभी यहाँ पे थोड़ी वाइन देखते हैं हम. वैसे तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा मैसिव वेराइटी है. मैं दूर दूर तक देख सकता हूँ. सिर्फ वाइन ही वाइन है. सो यहाँ पे शैम्पेन भी काफ़ी सस्ती आती है. एंड यहाँ पे दिस वन इज़ रोजे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड दिस इज़ फॉर लाइक 4 euros 30 cents फॉर 1 bottle विच इज़ वेरी चीप. वाइन सेक्शन मैंने आपको दिखा देता कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है. उससे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको दिखेगी बियर के अंदर. ये कुछ पाइंट्स हैं यहाँ के. काफ़ी डिफरेंट सी शेप है पाइंट की. एंड दिस इज़ फॉर 1 euro 75 cents. वैसे अगर पैक ले लेते हो आप यहाँ पे बियर का तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है. मैं वो भी आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे पीछे पैक्स लग रखे हैं बियर के. एंड दिस पैक मैंने बहुत सारे लोगों को ये वाला पैक लेते देखे. दिस इज़ फॉर 4 euro 10 cents. और इसके अंदर है 6 pints for 250 ml ईच. यहाँ पे जो पाइंट्स होते हैं वो 250 ml के होते हैं. तो एक ये पैक ट्राई कर लेते हैं. और एक इसके अंदर रोज़ फ्लेवर आता है. आई गेस दिस सम बेरी फ्लेवर. तो
तो दोनों पैक एक एक ले लेते हैं, ट्राई हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो फॉर 4 euro 95 cents, ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट है 16 euro 65 cents फॉर 700 ml, रफली 1500 Indian rupees, काफ़ी एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन टू इंडिया। कैप्टन मॉर्गन यहाँ पे आती है फॉर 17 euros, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे बेलीज सस्ती है, बेलीज फॉर लाइक 13 euros। सो इंडिया के कंपेरिजन में बेलीज और मालिबू काफ़ी सस्ती लगी। मालिबू बेसिकली और कोकोनट फ्लेवर्ड रम जो ये रही यहाँ पे, एंड जस्ट फॉर 10 euros। मैंने लास्ट टाइम 11 euros की ली थी, तो 10 euros फॉर मालिबू विच इज़ अ प्रिटी गुड डील। आप देखोगे जैक डैनियल्स के फ्लेवर्स बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे फायर फ्लेवर है, यहाँ पे एप्पल फ्लेवर भी अवेलेबल है। एप्पल फ्लेवर इज़ फॉर 21 euros, विच इज़ रफली 1800-1900 Indian rupees। वैलेंटाइंस थोड़ी एक्सपेंसिव है, वैलेंटाइंस की एक बॉटल है 15 euro 73 cents की। अल्कोहल बड़े वाले हाइपर मार्केट्स के अंदर काफ़ी चीप है इन कंपेरिजन टू द लोकल कारफोर्स। और यहाँ पे ये एक JD की काफ़ी अमेजिंग बॉटल है, ऐसी बॉटल मैंने पहले नहीं देखी। सो सिंगल बैरल सेलेक्ट, so this bottle is for 31 euro 63 cents. finally one of the last sections that I wanted to show you guys is the cheese section here. France के अंदर cheese की सबसे ज़्यादा variety होती है। हम तो यहाँ पे पनीर ढूंढ रहे हैं क्योंकि पनीर भुर्जी खाने का मन कर रहा है, और यहाँ पे प्रणव पीछे Google Translate use कर रहा है ताकि वो figure out कर सके exactly पनीर को यहाँ पे क्या कहते हैं। English में तो cottage cheese कहते हैं, और अगर यहाँ पे देखोगे like blue cheese and you have so many different types of cheese here कि आप रोज़ एक नए तरीके का cheese try कर सकते हो। And I guess this is also some kind of cheese. बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, मतलब अगर आप आ जाओगे हाइपर मार्केट में, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 hours, व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया। फाइनली हम यहाँ पे पीछे बिलिंग करवा रहे हैं। वेल इफ़ यू आर स्टूडेंट हियर, आपके पास ISIC कार्ड होता है जिसके साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है अप टू 5%। सभी मैं कार्ड प्रेजेंट करूँगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। सामान काफ़ी ज़्यादा शॉप हो गया हाइपर मार्केट में आके, इतनी ज़्यादा वैरायटी दिखती है कि हमारा मन करता है सब कुछ ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई है। अब ऐसा रहेगा यहाँ पे इतना सारा सामान है, गाड़ी तो है नहीं हमारे पास इंडिया की तरह, तो सारा सामान ट्राम में लेके जाना काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, बट वील फिगर इट आउट। विद दैट सेड गाइस, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गाइस गो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। Thank you. So nice of them. जैसे हम billing करवा रहे थे, we met these people and they just dropped us back home. सामान के साथ काफी easy हो गया and people are so nice. I feel so good. Quite a nice thing to happen.